हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द शॉर्ट नोट ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑफ चैप्टर वन विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर नाइन ओके टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दैट शॉर्ट नोट्स ये हमसे छूट गया था बच्चों और ये आज हम लोग इसको शॉर्ट नोट पूरा करेंगे ओके okay? फर्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी Unity in diversity is a concept which signifies unity among individuals who have certain difference among them. These difference can be on the basis of culture, language, ideology, religion, caste, class, ethnicity. Furthermore, the existence of this concept has been since time immemorial. Okay, this is unity in diversity. क्योंकि हमारा जो भारत यहाँ पर भारत जो हमारा देश है यहाँ पर ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे यूनिटी है डाइवर्सिटी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ठीक है सेकेंड है वाइट रेवोल्यूशन वाइट रेवोल्यूशन नोन एज ऑपरेशन फ्लड वॉज लॉन्च इन नाइनटीन सेवनटी इट वॉज एन इनिशिएटिव बाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इट ट्रांसफर्म इंडिया ए मिल्क डेफिशिएंट नेशन इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर पहले जो आ, इंडिया जो था वो मिल्क प्रोड्यूसर में डेफिशियट करता था लेकिन आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है ठीक है थर्ड है कलर्स इन द नेशनल फ्लैग

सो बेटा ये आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको लिखवाए थे वो आज आप लोग इसको फिर से अपनी कॉपी में लिख लेंगे ये ये मैंने लिखवाया नहीं था ये छूट गया था लेकिन रिविज़न करते समय मुझे ध्यान में आया कि ये भी आपको लिखवाना है ओके उसके बाद उसके बाद जो एक्सरसाइजेस हैं आप लोग तो किए ही होंगे और बच्चों ये करके आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पे सेंड भी कर दोगे ये शॉर्ट नोट्स लिखना है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाइट रेवोल्यूशन एंड कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग ये तीन मिस हो गया था बेटा उसके बाद सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज केवल अर्नव शर्मा ही एक ऐसा बच्चा है जो मुझे भेजा है मरियम भेजी हैं और अंशिका गुप्ता तीन बच्चे ऐसे हैं जो भेजे हैं बाकी सारे लोग कोई नहीं भेजा है ठीक है इसको प्लीज़ आप लोग लिख करके भेजिए मुझे क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैंने उन तीनों बच्चों को मार्क्स भी दे दिए हैं और बाकी के बच्चों को मार्क्स नहीं मिलेगा और जब आप दिखाओगे आगे तभी हम बढ़ेंगे ठीक है और हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है क्या वेस्टर्न डेजर्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने देख लिया है अब हम लोगों को चैप्टर फाइव सदन प्लेट्यू पढ़ना है ठीक है जिसमें हम लोग डक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे मालवा प्लेट्यू नागपुर प्लेट्यू एंड लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन ये हम लोग पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही बच्चों और आप लोग शॉर्ट नोट्स की वीडियोस को देखिएगा और उसका आंसर राइट करने के बाद मुझे सेंड करिएगा ओके और साथ ही साथ आप लोग उसको लर्न भी कर लेंगे लिखेंगे आज की डेट डाल के आज आप लोग लिखेंगे और उसको लर्न भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए ठीक है इसलिए आप लोग उसको नोट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे